ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाकर उसके रहस्यों को लोगों के सामने रखने की प्रतिस्पर्धा में हर एक देश है, जहां कभी उन्हें सफलता मिलती है तो कभी असफलता। ऐसे में जब किसी भी देश का अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में पहुंचता है तो कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे लोगों के दिल दहल जाएं। तो आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे हादसों के बारे में बात करेंगे जो हुए तो ब्रह्मांड में थे लेकिन उनसे पूरी दुनिया दहल उठी। इन हादसों में सबसे पहले नाम आता है स्पेस शटल चैलेंजर का। दरअसल ये नासा के इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा है। कहा जाता है कि इस हादसे में स्पेस शटल चैलेंजर में मौजूद कई सदस्य हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि 28 जनवरी 1986 में नासा के स्पेस शटल चैलेंजर ने अपने 10वें मिशन के लिए उड़ान भरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई। ये लॉन्च होने के सिर्फ 73 सेकंड में ही टुकड़ों में बिखर गया। जांच में पता चला कि ज्यादा ठंड में लॉन्च होने की वजह से इसकी ओरिंग ने काम करना बंद कर दिया जिससे ये कुछ ही सेकंड में फट गया। इस ओरिंग को ज्यादा ठंडे मौसम में काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लॉन्च से पहली रात को तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे तक चला गया। चैलेंजर के बाहरी फ्यूल टैंक में विस्फोट इसके नष्ट होने का मुख्य कारण बना। जांच में यह भी पता चला कि शायद आग लगने के समय भी एस्ट्रोनॉट्स जीवित थे लेकिन शटल और समुद्र के पानी के दबाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। स्पेस स्टेशन के हादसे के 2 साल बाद तक नासा ने कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर 2003 में हुए अंतरिक्ष हादसे ने सभी को चौंका दिया था क्योंकि यह हादसा शटल के मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते हुए हुआ। पृथ्वी से केवल 16 मिनट की दूरी पर शटल में खतरनाक विस्फोट हुआ। इसमें भारत की कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। पृथ्वी पर उतरते समय यान की रफ्तार 18 मैक यानी ध्वनि की गति से 18 गुना ज्यादा थी। जांच में पता चला कि ये लॉन्च के दौरान मलबे से टकरा गया था और इससे स्पेस शटल के लेफ्ट विंग को नुकसान पहुंचा जहां से गैसों के आदान प्रदान में मुश्किल होने लगी। इस विस्फोट में बोर्ड के सभी सदस्यों की मौत हो गई। यान और यात्रियों के टुकड़े लगभग 207 किलोमीटर के एरिया में बिखर गए। बता दें कि स्पेस शटल ने 27 मिशन पूरे किए। ये इसका 28वां मिशन या यूं कहें आखिरी मिशन था। कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल के मुताबिक नासा को पता था कि स्पेस शटल कोलंबिया अपने मिशन से लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मर सकते हैं। इसकी उड़ान को तकनीकी कारणों के कारण कई बार रद्द किया गया लेकिन इसके बावजूद भी इसे उड़ान के लिए भेजा गया। ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई लेकिन धरती पर लौटते समय हुई सबसे ज्यादा मौतों में से ये पहला हादसा था। सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट रूसी अंतरिक्ष यान के सफर में सबसे भयानक अंतरिक्ष दुर्घटनाओं में से एक है सोयूज 11। अंतरिक्ष मिशन के दौरान मरने वाले व्लादिमीर कोमरेव भले ही पहले व्यक्ति हों लेकिन अंतरिक्ष में सबसे पहले 3 यात्रियों ने जान गंवाई थी। ये तीनों भी रूस के एस्ट्रोनॉट थे। 1971 में रूस के पहले स्पेस शटल सैल्यूट 1 पर जब सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री सवार थे जिनका नाम विक्टर पैत्सियेव, व्लादिस्लेव वोल्कोव और जॉर्जी था। इस यान ने स्पेस स्टेशन पर सेफ लैंडिंग की थी। 30 जून 1971 को सोवियत यूनियन एक अद्भुत अंतरिक्ष मिशन के बाद अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार था लेकिन धरती पर मौजूद अंतरिक्ष वैज्ञानिक उस दौरान हैरान रह गए जब उन्होंने इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को मृत पाया। उनके मुंह कान और नाक से खून निकल रहा था। जांच में पता चला कि ऑक्सीजन वाल्व के बंद होने से दम घुटने के कारण इनकी मौत हुई। सोयूज T10 शटल को 1975 में लॉन्च किया गया और लॉन्च के सिर्फ 5 मिनट बाद ये ऊपर अंतरिक्ष में जाने के बजाय तेजी से पृथ्वी की तरफ 21G फोर्स के साथ नीचे आने लगा। आपको बता दें वैसे नॉर्मल लैंडिंग के समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ पर मात्र 0.35G का फोर्स लगता है। हालांकि इसमें बैठे 3 अंतरिक्ष यात्री बच गए और उन्होंने पैराशूट की मदद से साइबेरिया के पहाड़ पर लैंडिंग की, मौत को मात देते हुए अपनी जान बचाई। भले ही व्लादिमीर कोमरेव बाहरी अंतरिक्ष में 2 बार प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे लेकिन दूसरी यात्रा सफल होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सोयूज 1
पृथ्वी की कक्षा में था और उसके बाद सोयूज 2 के साथ मिलकर काम करने वाला था। लेकिन सोयूज 2 को लॉन्च करने में समस्याएं आ रही थी क्योंकि शटल को संचालित करने वाले सौर पैनल खोलने में असफल हुए। कोमोरेव ने इसे चलाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। इसके बाद सोयूज 2 के मिशन को रोक दिया गया, इसलिए कोमोरेव ने पृथ्वी पर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। सोयूज 1 24 अप्रैल 1967 को पृथ्वी पर आते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमोरेव की मौत हो गई, जिसकी वजह उनके पैराशूट को ठीक से ना खुलना बताया गया। कोमोरेव की मौत अंतरिक्ष की रोशनी में पहली मौत थी और उनकी मौत के बाद दुर्घटना स्थल और रूस में उनके स्मारक बनाए गए। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।